दोस्तों, ये एक्सपीया का 4G राउटर है। ये आज इसका मैं यूजर नेम और पासवर्ड कैसे चेंज करते हैं और आईपी एड्रेस विथ पीसी से करना सिखाऊंगा। इसके बाद मैं मोबाइल से, सबसे पहले हम इसके साथ जो एसेसरीज मिलता है वो बता देते हैं। ये एक्सपीया का 4G राउटर है, इसके साथ में एक राउटर मिलता है और एक प्लान के बाद इसका बॉक्स है। बाय डिफ़ॉल्ट इसका आईपी एड्रेस रहता है 192.168.100.1। इसका बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड रहता है 1 से लेकर 8 तक। फ्रंट ये सामने इसका प्लग होगा सिम, और जैसे आप पासवर्ड भूल गए हो, यूज़र नेम जो भी सेट कर रहे हैं, यहाँ पिन के होल से आप इसको रीसेट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं इसको लाइन से लगा दिया हूँ। इसके साथ जो एडाप्टर मिलता है वो है 12 वोल्ट 1 एम्पियर। लाइन से लगा दिया हूँ, अब रीसेट करते हैं। रीसेट करने के लिए, पासवर्ड रीसेट करने के लिए सबसे पहले यहाँ जो है और वहाँ पर इसको रीसेट कर, पासवर्ड रीसेट करने के लिए 10 सेकंड तक दबा के रखना है, फिर छोड़ देना। ये हो गया दोस्तों रीसेट। अब मैं इसको आपको पीसी से कनेक्ट करके दिखाता हूँ कि इसका पासवर्ड और आईपी एड्रेस यूज़र नेम कैसे चेंज करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं अपने इसके पीसी से कनेक्ट कर दिया हूँ। पीसी में कनेक्ट करने के बाद अब ये देखो लैन केबल पीछे लगा। पीसी में कनेक्ट के बाद बात को दिखाता हूँ कि पीसी में और क्या क्या कैसे सेटिंग करेंगे तो पैच ओपन होगा। ठीक है, ये हो गया पीसी में कनेक्ट। सबसे पहले अपन राइट क्लिक करते हैं। सबसे पहले अपने कंप्यूटर के नेटवर्क में जाते हैं। नेटवर्क में गए, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टीज़ में जिस हिसाब से 4G राउटर का आईपी होगा उस हिसाब से अपन कंप्यूटर का डालेंगे। लोकल में गए, प्रॉपर्टीज़ में गए। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 में जाना है। अब यहाँ पर जो 4G का राउटर का आईपी है मैं उसको दिखाता हूँ। इसका आईपी है 192.168.100 के सीरीज, 21 के सीरीज है। इसको 100 का कर ले, ठीक। फिर इसको अप्लाई कर दे, ओके, क्लोज करें। फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर में जाएंगे। इंटरनेट एक्सप्लोरर में जाने के बाद ऊपर सर्च मारना है और आईपी डालना है 192.168.100.1। ये लॉगिन, ये खुल गया। अब इसके बाद यूज़र नेम में डालना है एडमिन। एडमिन डालने के बाद लॉगिन हो जाने के बाद ऐसा कुछ पेज आएगा। अब इसमें सिम नहीं लगाया हूँ, आप सिम लगा सकते हो। उसके बाद इसमें जाना है वाईफाई सेटिंग, एपी सेटिंग। इसके बाद ये जो बाई डिफ़ॉल्ट पासवर्ड रहते हैं वह डाला, यहाँ से अपन शो कर सकते हैं। ये बाई डिफ़ॉल्ट इसको मैं चेंज कर देता हूँ। इसमें डाल देता हूँ पान (9685608) डाल देता हूँ। फिर मॉडिफाई करें, ठीक है। ये हो गया पासवर्ड चेंज। अब पासवर्ड चेंज करने के बाद जैसे SSID चेंज करना है तो यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे मैं डाल देता हूँ अब मैं SSID में डाल दूँ तो हूँ साउ टेक्निकल सपोर्ट। ये हो गया SSID, फिर मॉडिफाई कर देना है, ओके कर दें। ये हो गया ओके। अब अपन इसका
आईपी चेंज करते हैं। आईपी चेंज करने के बाद सेटिंग में जाना है, ये यहाँ से आईपी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इसका कर देता हूँ 0.1। जीरो है इसको 100.102 कर देता, फिर मॉडिफाई कर से हो। प्लीज वेट पेनल्टी।